हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। और दोस्तों, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और आज का दिन बहुत ही अच्छा जाता रहा। तो सबसे पहले बात कहूँ दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को गलती से आपने देख लिया तो थोड़ी देर और भी देख लो, मैं इंटरेस्टिंग आज बात करने वाला हूँ। सो मैं भी दोस्तों घर में बैठा था, रूम में बैठा था, बोरिंग लग रहा था, क्या करूँ ना करूँ समझ में नहीं आ रहा था। बट अचानक से मैं देख रहा था कि एक डॉक्टर भिंद्रा का वीडियो, तो वहाँ पर उसने कहा आप सोते जागते अगर पैसा नहीं कमा रहे हो ना तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। मतलब तो मैंने सोचा नहीं यार, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर आप सोते जागते पैसा नहीं कमाऊंगा शायद मुझे तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा, मतलब पैसा कमाना पड़ेगा। तो और ये भी देखा कि बिल गेट्स का वीडियो देखा और रतन टाटा देखा हूँ कि उसका 65% दान भी कर देता है, और किसी ने वारंट वफे से डिनर करने के लिए 35 करोड़ भी दे दिया। सो मैंने काफ़ी देखा आज वीडियो, थोड़ा मोटिवेशन हो गया खुद को, क्योंकि ये सब वीडियो देख करके मोटिवेशन करना चाहिए। आप लोग को पता है कि बिल गेट्स ने क्यों कॉलेज ड्रॉप ऑफ किया था, या फिर वारन बफे जो क्यों आज कॉलेज ड्रॉप ऑफ किया था, या फिर अब अगर स्टीव जॉब इंडिया टूर करके आज एप्पल का मालिक है, एप्पल जैसा मतलब वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन में आजकल जो फाफ्स होता है उसमें उनका रिकॉर्ड है। आई डोंट थिंक कि उनका कोई पर्सनल रीजन था, बट ना आज मैं उनका देखा तो उसमें एक ही रीजन था कि पढ़ाने के लिए कोई टीचर्स या फिर प्रोफेसर लेक्चरर्स नहीं था, तो इनके लिए उन्होंने कॉलेज से भाग गया। और अच्छा किया जो भी किया, बट क्या आप उतना ही इंटेलिजेंट हो? मेरे जैसे आप भी सो रहे थे होंगे या फिर आप भी सो के देख रहे होते, तो मैं भी सोच रहा था नहीं यार आज वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ। बट ये बात बहुत लगा आज मुझे, कौन सा बात यार, कि अगर आप सोते जागते नहीं पैसा कमाओगे तो आपको ज़िंदगी भर पैसा कमाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ यार, और एक बात भी कहा है किसी ने, सहजी कहा होगा, मैं पूछूंगा बाद में, कि अब अगर आप कोई गरीबी में पैदा हो तो कोई ख़राब बात नहीं, अगर गरीबी मरोगे ना तो ये बहुत ख़राब बात है, यानी कि एक गंदा चीज़ है। तो इसने कौन कहा था मुझे पता नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो, न फिर वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बता दूंगा। देने से कोई छोटा आदमी नहीं बनता है, ज्ञान बांटते रहेंगे, ज्ञान बांटेंगे तो कोई ज्ञान कम नहीं हो जाता है। इसका मतलब है अगर हम मतलब सोते हुए पैसा नहीं कमाएंगे तो हम ज़िंदगी भर हमें या फिर आपको या फिर किसी और को भी ज़िंदगी भर के लिए मेहनत करना पड़ेगा, मतलब रात में ड्यूटी। तो मैं भी आज ड्यूटी से आया, आकर के बोरिंग लग रहा था, मैं सोच रहा था नहीं यार वीडियो नहीं बनाएंगे। डॉक्टर बिंद्रा की बात सुनकर के मुझे लगा नहीं यार, तो आज अगर नहीं करूँगा ये वीडियो तो मुझे भी शायद वो ही वाला करना पड़ेगा। एक बात इंपॉर्टेंट, जो वारन बफे है साल में किसी को शायद ज़्यादा नहीं मिलता है, बात भी नहीं करता है, बट वो कहता है कि साल में सिर्फ एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है या फिर कोई किसी को टारगेट देता है उसे अचीवमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो आप देख लीजिए वीडियो, बाकी डॉक्टर बिंद्रा का वीडियो भेजा के मेरे कहूँगा कि आप सिर्फ वीडियो देखते मत रहिए, नहीं तो आपको भी ज़िंदगी भर पैसा कमाना पड़ेगा। मतलब पैसा तो हम कमाना पड़ेगा, पर हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम सोते जागते पैसा नहीं कमाएंगे तो सोते जागते पैसा हम तब कमा पाएंगे जब हम कुछ करेंगे। मतलब कैसे करके, हम तो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक नहीं, हम तो गूगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को हम इस्तेमाल करके चलना होगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट गूगल को छोड़ करके एप्पल को भी हम इस्तेमाल करके चलना होगा, या फिर जितना भी है आजकल दुनिया में उसे इस्तेमाल करके हमें चलना होगा। मतलब थोड़ा नॉलेज, थोड़ा शार्प नॉलेज होना पड़ेगा। तो ये नहीं कि अगर आप आलसी इंसान हो, सबसे आलसी इंसान सबसे शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करता है, पता है, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। और जो इंसान आलसी नहीं होता है वो, चलो ये अलग बात है, मेरा सोच से बाहर है कि मैं उतना आलसी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, जीरो हूँ। आप सोच रहे हैं कि कैसे करके पैसा कमाएं होते हुए भी, तो बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता है तो बहुत ही आसान है, आप यूट्यूब चैनल देखिए। अगर आप कोई भी दुकानदारी करते हैं तो दुकानदारी को आप थोड़ा अपग्रेड लेवल पर लेके जाइए, आप फ्लिपकार्ट में, नहीं तो अमेजन में, नहीं तो आजकल ढेर सारा ऑनलाइन है, आप छोटे छोटे शॉपिंग्स आप जो ऑनलाइन आप वेबसाइट बना करके वहाँ पे आप कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए ज़्यादा पैसे का जरूरत नहीं, वो थोड़ा रिसर्च कीजिए, मतलब मिनट में आप सर्च कीजिए उसे, तो आपको नॉलेज आ जाएगा। बट ये सब आप अगर करते रहेंगे, नहीं यार मैं कल जब सवेरे जाऊँगा दुकान खोलूँगा उनके बाद नहीं बेचूँगा, ये नहीं सर, और इन्वेस्ट बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ पे अगर आप 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे और 10,000 इन्वेस्ट करना है, बाद बाकी आपका मर्जी है। तो आप सोते हुए भी पैसा कमाएंगे दोस्त। और रिफंड जो होता है उसमें मुनाफा लॉस नुकसान तो थोड़ा कुछ होता ही, उसे आपको सेक्रीफाइस करना है। अदरवाइज अगर आप सेक्रीफाइस करना भी नहीं जानोगे तो सब कुछ नहीं है। अगर आप पैसा कमाना ही मेन मुद्दा है तो बड़ा बात है। बट एक चीज़ मैंने सीखा दोस्त, पैसा को आदमी ने ही बनाया, पैसा आदमी को नहीं बनाया, ये सही बात है, तो रियल बात है। बट आजकल ऐसा लगता है कि नहीं यार पैसा को आदमी ने ही बनाया, बट आदमी पैसा आदमी को बनाता है, तो ये भी सही है। बट पता नहीं, पैसे के पीछे भी को मत, जो क्वालिटी है उसमें मेंटेन करो, क्वांटिटी में नहीं। क्वालिटी अगर ठीक रहेगा
तो सभी कुछ बढ़िया रहेगा। जैसे कि एक स्टीव ने कहा था, अगर 400 बना रहे हो तो 400 क्यों बनाएंगे, अगर बना रहे तो वो 10 में फोकस किया था, तो 10 छोड़ दो, इनमें अगर फोकस करोगे तो बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो ब्लॉगर कर शुरू कर दो, मोबाइल से ब्लॉगिंग हो जाता है, आप वहाँ से आप इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश मतलब हम हिंदी को ही इंग्लिश में टाइप करते हैं वो भी चलता है, आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए आप ब्लॉगिंग से स्टार्टिंग कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है, और वहाँ पे इंग्लिश अगर नहीं आता है तो इंग्लिश चलता है और बहुत कुछ है, और यूट्यूब वीडियो है, इसको जो मर्जी आए आपको वो करते रहो यार। ये नहीं कि आप जॉब में जा रहे हो, मतलब आप काम कर रहे हो, अगर सोच रहे हो कि मैं जो वीडियो डालता हूँ दोस्त, ये मैं वीडियो डालता हूँ कि आप बेंगलोर पे आओ, पैसा कमाओ, पैसा कैसे कमाओ, फैक्ट्री में जाओ 8 घंटा काम करो, या फिर 10 घंटा, या फिर 12 घंटा, उनके बाद में 16,000, 20,000, 25,000, 40,000, ये तो होता ही है, बट अब जब काम करेंगे तब होता है। बट आज मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे भी लग रहा था कि मैं भी यार ये सब में काम करके गुजारा करना पड़ेगा, बट ये सब वीडियो देखकर मुझे लगता है नहीं यार, हम भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कर पाओगे या फिर आप भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा मेहनत ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक सुना था कि एक दिन का रात में जब छोटा था तो उसका मम्मी उसको रोक रही थी किताब पढ़ने के लिए, उसका लाइट भी ऑफ कर दी थी, सब कुछ, लाइट जब डाउन हो गया, उस मेन शटर बंद हो गया तो लाइट कहाँ जाएगा। मम्मी रात में जाके देखी तो उनको देख रहा, वो बच्चा देखा कि टॉर्च ले करके रात में कॉर्नर पे किताब पढ़ रहे थे, मतलब 12-15 घंटा किताब पढ़ रहे थे। तो ऐसा ही है, सब कुछ है भाई, आज भी हम अगर पढ़ते तो, और वो व्यक्ति कोई नहीं था, जो बिल गेट है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन वही था, कंपेयर नहीं करूँगा, बट हम लोग को जीवन जो है उनसे कुछ सीखना चाहिए कि हार नहीं मानना चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं भी आलसी बन गया था, जिंदगी में आलसी बनने से नहीं होता है, और काम ही करोगे मेहनत का काम ये भी नहीं होता है, थोड़ा स्मार्टनेस का काम करना चाहिए। तो समझ लो दोस्त, सिर्फ वीडियो देख करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप कुछ कदम रखो और कुछ सीखो। सीखने का मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ इंटरनेट से सीखोगे आज, जैसा यहाँ से सीख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो से आप देख करके सीखते हो, उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, इम्प्लीमेंट करना मतलब उसे आप ज़िंदगी में प्रैक्टिकली नहीं करते हो। अगर आप जो थ्योरेटिकली सोच रहे हो उसे आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहता है कि विश्वास सिर्फ करने से नहीं होता है, विश्वास के साथ में कर्म भी करना चाहिए तो ही कुछ अच्छा होता है। तो जो सोच है उसे कर्म में बदलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर घर छोड़ के बेंगलोर पर आना चाहते हो, या फिर कोई आ चुके हो जॉब ढूंढ रहे हो, तो ऐसा ही आप भी कुछ भी करो ताकि आप भी रात में सोते हुए पैसा कमा पाओ, कुछ भी करके, ऐसा तो कुछ होगा जिसे आप कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक मेरा बहुत ही बोरिंग है दोस्त, और मुझे भी बोरिंग लगा था, मैं क्या टॉपिक बनाऊँ नहीं बनाऊँ पता नहीं चल रहा था, बट जब ये वॉरेन बफे के साथ में जब लॉन्च करने के लिए 135 करोड़ का दे दिया, तभी तो ये चीज़ हो गया, तो थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिर जरा कहा नहीं है सुनने के लिए, बट जब आप एक स्टडीज़ करो, मतलब देखोगे यानी किताब पढ़ोगे, तो हमारी उम्र लगता नहीं कि किताब पढ़ने का है, बट लोग कहता है कि ज़्यादा पढ़ने में ध्यान दो, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे, तो अगर लर्निंग नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए क्विक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पढ़ाई ख़त्म कर दिया तो हम किताब पढ़ना छोड़ देंगे, तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, तो हमें किताब ही पढ़ना चाहिए, या फिर आप किताब पढ़ो, या फिर आप जितना सारा चीज़ है आज हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बिना पढ़े हम सुन भी सकते हैं। टॉपिक अगर बुरा लगा, मतलब बोरिंग लगा तो सॉरी इनके लिए, तो मुझे भी बोरिंग लगा था टॉपिक बनाने के लिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।